Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. So far in the chapter, principle of inheritance and variation के अंदर हम search for genetic material वाला part कर चुके हैं completely. ये part हमारा complete हो चुका है. So इसके बारे में आप मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. सो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट व्हाट अ जेनेटिक मटेरियल शुड हैव इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, एक एप्रोप्रिएट जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए एक जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. सो this is the thing. So a genetic material must have the following properties. The first property is ability to generate its replica, means it should be able to self replicate. Ability to generate its replica ka matlab hai it should be able to self replicate itself. It should have the chemical and structural stability. केमिकली भी वो स्टेबल होना चाहिए एंड स्ट्रक्चरली भी वो स्टेबल होना चाहिए. जो उसके केमिकल्स हैं वो भी खराब नहीं, मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर उसका खराब नहीं होना चाहिए, जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के साथ. और स्ट्रक्चर भी उसका जो है मेंटेन, जैसे कि हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट शुड बी सेल्फ मेंटेनेबल, स्टेबल होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए जल्दी. सो provide the mutations needed for evolution. Evolution करने के लिए जो भी mutations चाहिए वो एक DNA के अंदर, एक genetic material के अंदर होनी ही चाहिए. उसके बाद है कि Mendelian characters. Mendelian characters के अंदर क्या characters थे? Basically उसके 3 rules थे, dominance, segregation and इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये चीजें जो होनी चाहिए ना एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी ही चाहिए, एक्सप्रेस करने लायक होना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड अ प्रॉपर एप्रोप्रिएट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट देखो, हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्टेबिलिटी, मींस लेस रिएक्टिविटी ऑफ डीएनए एंड हाई रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए. स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा अभी अभी? हमने ये पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल. जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए. तो स्टेबिलिटी के एंड नॉन स्टेबिलिटी के रीजंस है वो फर्दर वो ये है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है. डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है. प्रेजेंस ऑफ थायमिन, यूरेसिल की जगह थायमिन प्रेजेंट है, वो भी क्या कर रहा है, फर्दर उसको स्टेबल कर रहा है. एब्सेंस ऑफ 2'OH इन द शुगर, 2' पे ये देखो ये डिफरेंसेस भी हैं डीएनए और आरएनए के अंदर एंड ये स्टेबिलिटी के रीजन भी हैं. तो जो भी डिफरेंसेस हैं वही स्टेबिलिटी के रीजन हैं, ये आप देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग. लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल एंड आरएनए उस चीजों को कैसे कंप्लीट नहीं कर पाता. The RNA is unstable, so RNA viruses mutate and evolve faster. RNA जो है हमारा that is the genetic that is unstable. तो जो भी organisms के पास RNA है as the genetic material, that organisms undergo mutation and they are able to evolve very faster. मतलब उनमें जो evolution हो जाती है वो बहुत ज्यादा fast हो जाती है. Next is the DNA strands are complementary. On heating, they separate
inappropriate conditions they come together. DNA के जो strands हैं वो complementary है. Heat करेंगे तो वो separate जरूर हो जाएंगे, लेकिन जब temperature normal आ जाएगा तब वो क्या कर जाएंगे, फिर से दोबारा क्या कर जाएंगे, helical stage में आ जाएंगे, फिर से दोबारा binding कर जाएंगे. इसका मतलब ये है कि DNA का जो structure है उसको basically हम क्या बोलते हैं, this thing is known as the denaturation and renaturation. Denaturation, double helix separate. Renaturation, double helix is formed back again. Double helix is formed back. So this is the thing of denaturation and renaturation. So in Griffith's experiment, some properties of DNA of the heat killed bacteria did not destroy. It indicates the stability of the DNA. तो जब ही ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि उसने क्या किया था, हीट किल्ड बैक्टीरिया को रखा था एंड साथ में नॉन हार्मफुल बैक्टीरिया को रखा था. तो जो नॉन हार्मफुल बैक्टीरिया लिविंग था उसने क्या किया था, हीट किल्ड बैक्टीरिया का डीएनए ले लिया था. अब अगर वो डीएनए उसी में एक्सप्रेस हुआ था, हेलो, सो इससे बेसिकली होता क्या है, इससे बेसिकली हमें पता चल जाता है दैट द डीएनए इज अ स्टेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक मटेरियल. मतलब कि एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज अ वेरी स्टेबल मटेरियल. सो In Griffith's experiment, some properties of DNA of the heat-killed bacteria did not destroy. It indicates the stability of DNA. And why is this stability? Basically, this stability is due to the renaturating property of the DNA. So, this is the thing. आप देख सकते हो कि कौन-कौन से जो bacteriophage हैं and tobacco mosaic virus हैं, they are having the RNA as their genetic material. And DNA है जब that is present in the double helix form. And whenever there is a high temperature, more heat given to the strands, the strands are separated. When we provide them even more heat, the strands are separated further. And then jab wahan pe cooling ho jati hai, to kya kar jate hai? Strands hai, wo renaturate kar jate hai. So this is the basic property of the DNA. तो स्टूडेंट्स ये चीज है, फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर एंड ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर. देखो स्टेबिलिटी की वजह से स्टोरेज के लिए डीएनए इज बेटर, बट अनस्टेबिलिटी की वजह से कैरिंग कैपेसिटी जो है आरएनए की, ट्रांसमिशन बेसिकली कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन कैपेसिटी है दैट इज ऑफ आरएनए इज बेटर. तो आपको यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डीएनए इज प्रायर्ड फॉर स्टोरेज, व्हाई आरएनए इज प्रायर्ड फॉर कैरिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि डीएनए इसीलिए प्रायर किया जाता है बिकॉज डीएनए की जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, बट ड्यू टू इट स्टेबिलिटी. ठीक है, यहां पे हम रीजन लिखेंगे ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी जो है आरएनए के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. The next thing is that RNA can directly code for protein synthesis.
hence can easily express the characters. अब RNA unstable भी है and directly जो है protein synthesis के coding भी कर सकता है. हमारे हर protein की ना एक code होता है, basically codon बोलते हैं उसको. तो जो RNA है that can directly code for a protein. So DNA is dependent on RNA for protein synthesis. Basically this is the case. RNA can directly code for protein synthesis, hence can easily express the characters. DNA is dependent on RNA for protein synthesis. So, देखो RNA word. RNA was the first genetic material. It acts as genetic material as well as it acts as the catalyst. Essential life processes, that is metabolism, translation, splicing, etc., are evolved around RNA. DNA is evolved from RNA for stability. RNA जो है जब evolution हुई थी, evolution के time पे RNA was the first genetic material. It acts as genetic material as well as a catalyst. तो essential जो life processes है सारे, that is metabolism, translation, splicing है, वो क्या है? RNA के around ही evolved होते हैं. So now let us read about the next procedure, that is the central dogma of molecular biology. Basically student, central dogma of molecular biology के अंदर है क्या चीज? That is the DNA is converted into the RNA for the transmission of the information. And RNA transmits the information in the form of proteins. So that is basically the central dogma of molecular biology. This is known as the central dogma of the molecular biology. तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम एक और वे में डिनोट कर सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आया दैट व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है. नेक्स्ट इज इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक. इसने क्या बोला था कि ड्यू टू ट्रांसमिशन, मतलब की ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है एंड आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. So this is the basic thing and this is the basic concept जो central dogma हमें बता रहा है. Next चीज हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, that is in some viruses flow of information is in the reverse direction. It is called a reverse transcription. Viruses के अंदर क्या होता है? Flow of information is in reverse direction. मतलब कि उनके जो genetic material है that is RNA. RNA से उनको DNA बनाना पड़ता है, तभी वो क्या करते हैं, तभी वो अपना जो genetic material है उसको express कर पाते हैं. And this process is known as the reverse transcription. So that was the case of reverse transcription. An example of reverse transcription कौन है? Viruses, that is HIV virus is the example of reverse transcription. HIV virus is a virus that undergoes reverse transcription. So okay students, that was all for this class. नेक्स्ट क्लास में हम रेप्लिकेशन बेसिकली शुरू करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेप्लिकेशन. सो थैंक यू टिल देन एंड हैव अ नाइस